तो भारत के विजिट पे आए हुए हैं अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी माइक पोम्पियो। इंडिया सीज पाकिस्तान एज अ स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म. उनसे सवाल किया गया, एक इंटरव्यू के अंदर सवाल किया गया कि डू यू सिंपथाइज विद इंडिया के पाकिस्तान स्पॉन्सर्स टेररिज्म और बड़ा हम मुतासर हैं उससे। We share not only the Indian view, but the global view of the risk of terrorism from extremism inside of Pakistan, extremism that flows in from Afghanistan via Pakistan. Now, these are very real risks that the Indian people are right to address. उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल हम डॉक्टर जयशंकर और भारत के साथ इस बात पे इस व्यू को शेयर करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है। एक है इंडिया, इंडिया भी बहुत सा तेल ले रहा है ईरान से, ब्रेकिंग द एम्बार्गो, मगर इंडिया के ऊपर ये सैंक्शंस नहीं लगाते। और उसने भी उस तंजीम को जो है वो दहशतगर्द करार दे दिया, और भी कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं। इंडिया इज टू इम्पोर्टेंट अ कंट्री फॉर देम। पाकिस्तान हैज बिकम अ टेरर स्टेट। अमरीका की इजाजत के बगैर आप ईरान से तेल नहीं खरीदेंगे जी, आप ईरान से पाइपलाइंस नहीं बनाएंगे एटसेट्रा, और अगर करेंगे तो फिर हम सैंक्शंस लगाएंगे आपके ऊपर। तो उसी में हम ये देखते हैं कि उसके बाद से जो दोनों कंट्रीज के रिलेशंस खराब हुए तो वो फिर ठीक होने का नाम नहीं। ये कितनी बैड प्रेसिडेंस हम कायम कर रहे हैं कि अमरीकी सफीर बैठते हैं, उसके सामने हमारे वज़ीर आज़म, वज़ीर खारजा, मौवन खसूसी, सेक्रेटरी खारजा, फिर वो सलमान शरीफ साहब जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं, ये नोट टेकिंग के लिए बैठ जाते हैं, हर एक के हाथ में डायरियाँ मौजूद होती। भारत के विजिट पे आए हुए हैं अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी माइक पोम्पियो, जो आई थिंक एक राइजिंग इंडिया एक कॉन्क्लेव में या डिस्कशन में आए हुए हैं। मज़े की बात यह है कि उनसे सवाल किया गया, एक इंटरव्यू के अंदर सवाल किया गया कि डू यू सिंपथाइज विद इंडिया के पाकिस्तान स्पॉन्सर्स टेररिज्म और बड़ा हम मुतासर हैं उससे। तो अब याद रखें कि अमेरिका वो मुल्क है जिसके साथ पाकिस्तान ने पिछले 20 साल मिलके दहशतगर्दी की जंग में जंग लड़ी है। पाकिस्तान ने जाने भी दी, नुकसान भी हुआ, सब कुछ हुआ, और अमेरिकी जो साबक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो, जो कि ट्रंप के दौर में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और कुछ अरसा रहे, उससे पहले वो CIA में थे, उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल हम डॉक्टर जयशंकर और भारत के साथ इस बात पे इस व्यू को शेयर करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है। क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान ने किया क्या है, हमने क्या किया है कि अभी भी अमेरिका या वेस्टर्न वर्ल्ड मानने को तैयार नहीं है। मैं इस रिडल को नहीं समझ पाया, शायद मैं ऐसे लोगों तक नहीं पहुंच पाया जो मुझे इस सवाल का जवाब दे सके। लेकिन ये जो स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है कि जी पाकिस्तान की स्टेट स्पॉन्सर करती है, जबकि पाकिस्तान की स्टेट तो खुद बर्दाश्त कर रही है। अभी कल बलूचिस्तान के अंदर दहशत गर्दाना हमले हुए हैं, अगले दिन मीर अली में पाकिस्तान के फौजी जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। सो क्वेश्चन ये है कि ये जो व्यू है, इस व्यू को पाकिस्तान क्यों काउंटर नहीं कर सका, और पाकिस्तान ने क्यों इसके ऊपर शोर नहीं डाला और खामोशी है? क्यों हम हर मुल्क को जवाब नहीं देते, या हर उस शख्स को जब हम बायलैटरल्स करते हैं तो हम क्यों जवाब नहीं देते? हमारी लीडरशिप बात ही नहीं करती। अगर अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने कभी आकाश सिद्दीकी की बात नहीं की, माइक पोम्पियो डंके की चोट पे ये कह रहे हैं, और मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहता हूँ, मैं आपको 2019 में लेके जाना चाहता हूँ, जब इंडिया जो है उसने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की। उस वक्त आई थिंक जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे अमेरिका के, वो जॉन बोल्टन थे। उन्होंने अजीत दोवल साहब को फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि हम सपोर्ट करते हैं इंडिया को फॉर इट्स राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस। ये अमेरिका ने कहा कि अगर आपने पाकिस्तान पे हमला किया है इन रिस्पॉन्स टू द टेरर अटैक इन जम्मू एंड कश्मीर, वी सपोर्ट दिस। ये ऐसा ही है जिस तरह पाकिस्तान ने अगले दिन अमेरिका उधर अफगानिस्तान में हमला किया तो उन्होंने कहा जी वी सपोर्ट पाकिस्तान राइट टू सेल्फ डिफेंस। ठीक है जी, सो इन बिटवीन द लाइंस देयर इज समथिंग टू स्टडी। सो क्वेश्चन ये है इस, और ये जो है माइक पोम्पियो साहब, इनकी भी ये एक हिस्ट्री है, इन्होंने बल्कि एक बुक लिखी, यही बुक जो मैंने अभी पहले दिखाता हूँ, ये बुक लिखी इन्होंने, और इस बुक के अंदर नेवर गिव एन इंच, ठीक है जी, ये बुक लिखी इन्होंने, और इस बुक के अंदर ये इसमें भी इन्होंने बात ये की कि जनाब अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान न्यूक्लियर जंग को अवॉर्ड करवाया, मतलब उसको
कोशिश की कि वो जंग ना हो। अब क्वेश्चन ये है कि इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई तो कोई आज की नहीं है, पुरानी है, बट अमेरिकन ये कहते हैं कि हमने ब्रेक थ्रू कराया और इंडिया ने क्योंकि एयर स्ट्राइक की थी पाकिस्तानी टेरिटरी के अगेंस्ट। यह कि जो अमरीकी सफीर हैं वही अब सब कुछ हैं, वज़ीर आज़म से लेके बाकी सब तक वही डील करेंगे, ये कितनी बैड प्रेसिडेंस हम कायम कर रहे हैं कि अमरीकी सफीर बैठते हैं उसके सामने हमारे वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा, मौवन खसूसी, सेक्रेटरी ख़ारजा, फिर वो सलमान शरीफ साहब जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं, ये नोट टेकिंग के लिए बैठ जाते हैं, हर एक के हाथ में डायरियां मौजूद होती हैं, फिर उसकी तस्वीर भी पब्लिक कर देते हैं, मतलब इतना गिरने की क्या ज़रूरत है? ये देखिए एक बहुत बड़ा इशू हमारे साथ हमेशा से रहा है और ये आज की बात नहीं है बल्कि कल भी अगर आप देखिए तो बरतानी हाई कमिश्नर और उनके साथ उनकी काउंसलर थी और हमारी दूसरी तरफ तीन हजरात बैठे हुए थे नोट टेकर्स। तो ये जो तवाज़ुन है हमारा, हम बहुत शायद हॉस्पिटेबल लोग हैं, इसको इस तरह कह लीजिए। ये सर दुनिया में फिर सिर्फ हम ही मेहमान नवाज हैं, पूरी दुनिया के नक्शे पे एक मुल्क पर हाथ रख के बता दें जहां हमारा सफीर बैक वक्त उनके वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा, स्पेशल असिस्टेंट, सेक्रेटरी ख़ारजा, जॉइंट सेक्रेटरी से मुलाकात कर सकता हो? कहीं भी नहीं होता, कहीं भी नहीं होता। और ये फॉरेन ऑफिस बार बार इस बात की तरफ तवज्जो भी दिलाता है अपने लीडर्स की जानिब कि आप इतना सफीरों को इतना एक्सेस ना दें। पाकिस्तान इंडिया आपस में एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते हैं टेररिस्ट का और पाकिस्तान पर 75 ईयर से टैग लगा हुआ है टेररिज्म का, क्या ये कभी खत्म हो सकता है? तो उसका इशू हो, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो, कुछ भी हो, वो आप इल्जाम लगाता है, इंटरनेशनल मीडिया पे प्रोजेक्ट करता है कि देखें जी इनके पॉलिटिशियंस, इनके लीडर्स ये सारे करप्ट हैं, मुल्क डिफॉल्ट कर रहे हैं। हमें तो मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाने के भी जान के लाले पड़े कि मुल्क डिफॉल्ट ना हो जाए। रोज बैठे यही सुन रहे होते हैं कि जी आज डिफॉल्ट होने लगा है, आज डिफॉल्ट होने लगा है। इकॉनमी रिवाइवल होगी तो हम अल्टीमेटली ये सारा कुछ इसमें हम अब फाइनली हम विन कर सकते हैं, वरना उसके अलावा और कोई हल नहीं है। सर अगर मैं देखूँ ना तो बहुत से टेररिस्ट को जिन्होंने पकड़ा था, यूएसए ने पकड़ा था और ये बात क्लेम की थी कि पाकिस्तानी जो हैं वो टेररिस्ट अटैक करवाते हैं, अगर मैं देखूँ तो यूरोपियन कंट्रीज जितनी भी हैं वो इसी बात से, इसी नाम से हमें जानते हैं कि टेररिस्ट मुल्क है। मेरे पास एक सवालिया निशान है कि सिर्फ पाकिस्तान ही क्यों, बाकी अरब ममालिक क्यों नहीं? ये मैडम ये भी इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा किया जाता है पाकिस्तान के खिलाफ और इसमें जो ज़्यादा रोल है वो मीडिया का, मैं समझाया गया था कि जी अब हमने टेररिस्ट को ख़त्म करना है। इसमें मैडम सिंपल सा इसका जवाब जो अगर आसान लफ्ज़ों में है, जब तक हमारी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी हमारी से इंटरनेशनल मीडिया पे, इंटरनेशनल फोरम्स पे सुनी नहीं जाएगी। सारी रेजोल्यूशन आई हुई हैं कश्मीर के ऊपर, रेजोल्यूशन आई हुई हैं, लेकिन इंडिया हदधर्मी कर रहा है, कश्मीर का फैसला नहीं कर रहा और उसको डाइवर्ट करने के लिए वो हमारे ये वेस्टर्न बॉर्डर्स को यूटिलाइज करता है और वेस्टर्न बॉर्डर्स पे मिसक्रियंट्स के थ्रू पे सारे हालात खराब करता है और उस वजह से हमारे मुल्क पे नेगेटिव इंपैक्ट पूरी दुनिया में आता है। इसके लिए बड़ा जरूरी है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे थिंक टैंक से भी, पॉलिटिशियन से भी, एस्टेब्लिशमेंट से भी कि हमारी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग हो, इंटरनेशनल मीडिया पे, इंटरनेशनल फोरम पे अच्छी तरह प्रोजेक्ट किया जाए और पाकिस्तान का केस यूएनओ में, इंटरनेशनल फोरम पे अच्छी तरह लड़ा जाए और वहां से डिक्टेशन मिले और वहां से इन सारी चीजों का रेजोल्यूशन आएगा। हमें तो वो किसी खाते में नहीं लाएंगे अगर हम डायरेक्टली उनसे बात करेंगे, हमारी इकॉनमी तो उनके सामने स्टैंड ही नहीं करती। तो ये सारे मसाइल तभी हल होंगे जब हम इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होंगे, हम सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे, इंटरनेशनल ट्रीटीज को फॉलो करेंगे, अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करेंगे, उसी से आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आप देखेंगे सारे मसाइल जो होंगे रिजॉल्व।